अंदर आत्मा से कह रहा है कि उठना है, मगर वो मन कह रहा है कि भी थोड़ा सा और सो जाए। तो इसका क्या कारण है कि अपने को मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा। मन पे कंट्रोल करने के लिए पहले अपना इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेंगे तब अपना मन पे कंट्रोल हो जाएगा। जब मन को नियंत्रित कर लेंगे तब अपने को अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं, तब अपने आप में एक विश्वास पैदा होगा। हेलो दोस्तों, मैं सूरज सिंह कुशवाहा, एसके मोटिवेशनल मिशन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास कि अपने मनुष्य जो है आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता है, क्या किया जाए कि अपना आत्मविश्वास बढ़ा सके, ऐसा क्या करना चाहिए मनुष्य को जो उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात अपना कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले अपना जो इंद्रियाँ हैं, जो अपना इंद्रियाँ हैं, जो मन है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। जो अपना इंद्रियाँ हैं और जो अपना मन है उसको सबसे पहले नियंत्रित कैसे किया जाए, तो मैं बता दूं, मैं जिस जगह पे आज आया हूँ, ये जगह का नाम है पिताबली, ग्राम का नाम है, और ये जिला देवास में लगता है। यहाँ पे भी मैं आया था घूमने के हिसाब से, कहे कि मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया है, इस समय शाम के समय बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, और ये लोकेशन भी बहुत, आप लोग देख सकते हैं, ये लोकेशन भी बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं बहुत, मतलब बहुत सुंदर लोकेशन, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत यहाँ पे सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा हवा भी चल रही है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी बादल का भी कर दिया, वो भी ठीक लग रहा है। तो दोस्तों अपना टॉपिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंसान को क्या होना चाहिए कि इंसान अपने जो इंसान का जो बुद्धि है, जो इंसान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से इंसान अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है। इंसान अपने ज्ञान से इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है। अब कैसे कंट्रोल कर सकता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। कभी हम लोग जैसे सुबह में सोए हुए रहते हैं, प्रतिदिन जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में लें, एक स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल लें, तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम लोग को सुबह पढ़ने से ज़्यादा बेटर रहता है कि सुबह अपना स्टडी करेंगे तो कोई चीज़ जल्दी याद होगा। मगर क्या होता है कि जब सुबह के समय होता है, जैसे 5 बजता है, या हम लोग पहले एक दिन पहले सोचते हैं कि यार कल सुबह से अपने को 5 बजे उठना है, मतलब कल सुबह अपने को 5 बजे उठना है, तो ये हम लोग सोचते हैं ऐसा। मगर होता क्या, जब सुबह होती है और जब जैसे 5 बजा या अलार्म भी लगा लिए, अलार्म लगाने के बाद अपना नींद भी खुल जाता है, नींद खुलने के बाद अपना ऐसा लगता है, मन जैसे कहता है कि थोड़ा सा और सो ले, चलो आधा घंटा बाद उठ जाएंगे। ये क्या कहता है, मन कहता है, क्योंकि हम लोग को इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, हम लोग सो रहे हैं, जैसे आँख बंद कर लिए सो रहे हैं, हम लोग को इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले इंसान को अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रियों पे कंट्रोल होने का मतलब ये है कि हम जिस समय अगर उठना चाह रहे हैं उसमें अपने बुद्धि से क्या करेंगे, इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, नहीं अपने को आँख तो खुला रखना है, अपने को आँख खुला ही रखना है। अब आँख खोल के तो कोई इंसान सो नहीं सकता है, ये तो आपको ही पता होगा कि आँख खोल के कोई इंसान सो नहीं सकता है। जब आँख खुला रखेंगे तो मन धीरे धीरे फिर यही कहेगा, अरे चलो यार अब उठ ही जाते हैं। तो होता क्या कि सबसे पहले इंसान को अपने बुद्धि से इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। जब इंसान अपने बुद्धि से इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा, इंद्रियों पे कंट्रोल करने के बाद, इंद्रियों कंट्रोल मतलब ये है कि हम लोग को क्या कौन सा मौसम अच्छा लग रहा, क्या लग रहा, कभी सुख दुख हो गया, और क्या हमको अच्छा क्या लग रहा, क्या स्वाद लग रहा, किस चीज़ को हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, इस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, कि अपने जो इंद्रियां हैं, आँख है, मुंह है, कान है, नाक है, इस तरह का जितना भी चीज़ है, अपना इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे करें, क्या उसको महसूस को क्या कर रहे हैं। आदमी क्या हावी हो जाता है, ये चीज़ देख रहे हैं तो इंसान क्या हावी हो गया कि वो चीज़ उसको पसंद आ रहा है, हावी हो गया कि इस चीज़ को हमको तो अच्छा ही लग गया, इसको तो लेना ही है, इसको ऐसे खरीदना ही है, वो क्या कर रहा है, वो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है अपने आप को, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं की वजह से जो चीज़ हमको ज़रूरी है भी नहीं उस चीज़ को लेने का मन कर जाता है। मन कहाँ से करता है, पहले क्या करता है, इंद्रियाँ। हम लोग कोई आँख से कोई चीज़ देखते हैं तो आँख से जो चीज़ देखें अब वो आँख अच्छा लग गया, अच्छा लगे तो मन कहता है यार इसको ले लेते हैं, अपने को ये नहीं सोचते हैं बुद्धि से अपना सोच के कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि फ़ायदेमंद नहीं है, ये हम लोग सोचते नहीं हैं, पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये फ़ायदेमंद है कि ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस अनुसार सबसे पहले अपने को बुद्धि और ज्ञान से अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर मनुष्य अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले उसके बाद मनुष्य अपने मन को भी नियंत्रित
कर सकता है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करेगा, मन को कंट्रोल करेगा, तो क्या होता है, विश्वास। अपना जो बात कर रहे हैं टॉपिक आत्मविश्वास के बारे में, क्या होता है विश्वास और एक घमंड, हम लोग बात कर रहे हैं आत्मविश्वास के बारे में कि अपने को इंसान को आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब हम अपना मन पे कंट्रोल रखेंगे। अपने को मन पे कंट्रोल है ही नहीं तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा कि अपना कोई चीज़ करना चाहेंगे, विश्वास ही नहीं, अपने पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, अपने को ये विश्वास नहीं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मविश्वास अपने को बढ़ाना है, वो कब बढ़ेगा जब मन पे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए, अपने बुद्धि से इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। जब अपना इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेंगे, जब हर चीज़ अपने शरीर के एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेंगे, तब फिर मन ऐसा ऐसा चीज़ नहीं कहेगा। कहने का मतलब, जब सुबह हम सोए हुए थे और हमको उठना है तो हम आँख खोले रहेंगे, उस पे कंट्रोल किए, जब इंद्रियों पे कंट्रोल किया, जब आँख खुला हुआ था मन भी कहेगा यार चलो यार अब उठ ही जाते हैं, अब नहीं सोने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या मन भी उस तरह से अनुसार चलने लगेगा, फिर मन कहेगा चलो यार उठ ही जाते हैं। फिर अंदर आत्मा से जब आप सोते रहते हो सुबह या कोई चीज़ करने की कोशिश कर को, कोई भी काम होता है, आपके अंतर आत्मा से कहता है कि यार सुबह उठ जाए, अंदर आत्मा से कहता है कि उठना है मुझे या मैं उठ जाऊँ। अंदर आत्मा से कह रहा है कि उठना है, मगर वो मन कह रहा है कि भी थोड़ा सा और सो जाए। तो इसका क्या कारण है कि अपने को मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा। मन पे कंट्रोल करने के लिए पहले अपना इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेंगे तब अपना मन पे कंट्रोल हो जाएगा। जब मन को नियंत्रित कर लेंगे तब अपने को अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, तब अपने आप में एक विश्वास पैदा होगा। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास, उसके बाद ही अपना एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा। जब यह आत्मविश्वास पैदा होगा कि हम कोई काम को करना है, जैसे हम कल सोच लिए कि नहीं कल को हमको सुबह 5 बजे उठ के इस वर्क को करना है या इस काम को करना है, या कोई भी अगर होमवर्क है स्टूडेंट को वो चीज़ को करना है, अपने पास आत्मविश्वास है, विश्वास ये है कि मैं कर सकता हूँ। ये कब विश्वास आएगा, जब मेरा मन पे नियंत्रित रहेगा, मन पे कंट्रोल रहेगा, इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा। अगर इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो अपने तो सोच तो लेंगे कि नहीं कल ये चीज़ करना है, मगर क्या होगा, फिर वो मन कहेगा यार यार कल करेंगे, ऐसा सोच लेगा। तो अपने को अगर आत्मविश्वास पैदा करना है तो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना होगा। इंद्रियों पे कंट्रोल करने से अपने वो मन को भी नियंत्रित आप कर सकते हैं। अगर आप मन को नियंत्रित करते हैं तो हर सिचुएशन में आप एक तरह से समान रह सकते हैं। आत्मविश्वास एक पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, इस चीज़ को हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप नहीं कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो आपको क्या रहेगा, जब आत्मविश्वास हो जाएगा नहीं कल हमको सुबह उठ के इस काम को करना है, तो आप कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे। तो सबसे पहले इंसान को आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। इंसान बहुत से काम को करने से पहले घबरा कर उस काम को ही छोड़ देता है। कहने का मतलब है कि उसका पास आत्मविश्वास नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आत्मविश्वास रखने से मनुष्य का 50% समस्या का सोल्यूशन हो जाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो काम करने की क्षमता है वो दुगना हो जाएगा, आप उस चीज़ को कर सकोगे। पहली करने से पहले सोचोगे और विश्वास नहीं, हम तो ये चीज़ करेंगे नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, तो वो काम क्या होगा, जितना था उससे डबल दुगना हो जाएगा और काम को कर नहीं पाओगे। तो इंसान को सबसे पहले आत्मविश्वास को पैदा करो, उस चीज़ को समझो, और जब ये मन पे आपका नियंत्रित कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, तो आप बहुत से सिचुएशन में एक तरह का एक समान रूप से आप रह सकते हो, मतलब एकाग्र रह सकते हो, मतलब आपकी सोच एक तरह से चल सकता है, जैसे भटकेगा नहीं। मन क्या करता है, बहुत विचलित करता है इंसान को। जब इस पे कंट्रोल करोगे तो आपको जैसे मन भी फिर अच्छा रास्ता ही दिखाएगा। मन भी कहेगा नहीं कोशिश करके हमको ये चीज़ करना है, इस कार्य को सफलता प्राप्त करना है, ऐसे करके हमको ये मंजिल प्राप्त करना है, तो मन भी फिर उसी दिशा में ले जाता है। पहले क्या करता है, मन जो है इंसान को विचलित करता है, और जब अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने उस इंद्रियों पे, मन पे कंट्रोल कर लेंगे, तो वही मन आपको एक अच्छे दिशा को रास्ता भी बताएगा, वही मन एक अच्छा जगह आपको ले भी जाएगा, ठीक है ना। और आत्मविश्वास उससे बढ़ेगा, तब जाए कोई चीज़ अपना कर सकते हैं, कोई चीज़ करने में काम आसान हो जाएगा, लगेगा ये काम तो हम जल्दी कर सकते हैं, अपने पास आत्मविश्वास है। मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि एक विश्वास और घमंड में बहुत ज़्यादा अंतर है, विश्वास और घमंड में बहुत ज़्यादा अंतर है। विश्वास मतलब ये है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ
ये मेरा घमंड हो गया। तो ये विश्वास और घमंड में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अपने को विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी बजा दें कि कभी भी कोई नया वीडियो इस तरह का मैं डालूं, मोटिवेशनल वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।